पता नहीं है ये तीसरा राइस ऐसे डाल दिए, पन नहीं बचाते। हाँ, पन बचाते नहीं है वो, कितनी भी प्लास्टिक देगा भाई। काली मूछ है, काली मूछ, ये काली मूछ है जो एमपी में मिलती है, ये कृष्णा कॉटेज को। देखो कल ये मिर्च लेने आए, बट मिर्च धोना पड़ता है, ये बिना धोए खाना खाने बैठ गए मिर्च को। तो आप सोच सकते। तो हे गाइस कैसे हो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी थक के हालत खराब है, तो हम दिखाते हैं आपको क्या क्या आज खरीदारी करे हैं, जो हम लोग थक के चूर हैं, अभी खाना भी नहीं खाए हैं। वाह बेटा वाह, यही तो मांगता है। सब्जी तरकारी, गुलाब जामुन, दूध, ये देखो ये हमारे राशन के कुछ सामान है, ये कुछ हमने लिया है वहाँ से, कहाँ से, बेकरी, बेकरी से। और ये देखो राइस ट्राई करने के लिए दोस्तों लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे चावल ऊपर रखो। एक ड्रॉबैक है यहाँ का, बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे चावल अच्छे नहीं मिलते हैं। दिखाऊंगी तुझे, पता तो। और ये है, पता नहीं है ये तीसरा राइस ऐसे डाल दिए, पन नहीं बचाते। हाँ, पन नहीं बचाते नहीं है वो, कितनी भी प्लास्टिक देगा भाई। देखो मैं ऐसे ही डाल दिया। हाँ ठीक है ना, ये वाली कौन सी राइस है, ऐसे भी यूज नहीं करना। क्लोजअप लाओ, कोलम, ये कोलम नहीं थी, ये काली मूछ है, काली मूछ, ये काली मूछ है जो एमपी में मिलती है, ये कृष्णा कॉटेज कोई कोई राइस था, ये पता नहीं मुझे ये सबसे महंगा राइस है, पता नहीं कौन सा है, 130 रुपीज में लिया है ये। अच्छा, ये काली सब, सबसे महंगा ये रुपीज में है, ये 130 का, 160। हाँ, ये कौन सा राइस है भाई, बिरयानी के लिए, तुम्हें नहीं पता, बिरयानी नहीं पुलाव के लिए होगा। तो ये हम तीन राइस लाए हैं, यहाँ पे राइस अच्छे नहीं मिलते, तो आज मैंने एक नई दुकान पकड़ी है राइस के लिए, तो मैं हम लोग ने ट्राई करने के लिए ये दो तीन वैरायटी के राइस लाई है। अब वो तो बना के ही पता चलेगा, पर वहाँ जैसा राइस नहीं मिलेगा, बोल रहा था ना वो एमपी के ना, तो आपको ये सब अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखो चॉकलेट खाऊंगी अब मैं, भूख भी लगी है। अरे खाना निकालती हूँ तो फिर मिलती हूँ, जब तक मैं ग्रोसरी के सामान पूरे जमा जमू दूँ। ये देखो घोड़े की तरह चबाना, बिना धोए खाओ। ये दोस्तों ऐसा एक कांड बताती हूँ, कल ये मिर्च लेने आए, बट मिर्च धोना पड़ता है, ये बिना धोए खाना खाने बैठ गए मिर्च को। तो आप सोच सकते, उसके बाद से मैं इनके हाथ की रोटियां अब नहीं बनवा सकूंगी। अरे ये इसका अलग ब्लॉग बनेगा, जैसे देखो दोस्तों कंटेंट खरीद के लाए हम, ये हमारा कंटेंट। और ₹100 का कंटेंट है ये हमारा। और ये है नमकीन, और कौन सी नमकीन है, ये देखो ये लेके आए हैं शाम को खाने के लिए, कुछ रहता नहीं है। और एक निकालो, ये प्लेन है और ये तीखा। और यही है हमारा सारा आज का राशन, हमारा कंटेंट भी आज का ही था। ये कुछ नई सी लेके आए हैं पता नहीं, और हो गया सब दोस्तों। और अभी खाना खा जा रही हूँ मैं, ये हटाओ थोड़ा मिल्क विल्क यहाँ से, ये हटाओ हम पापड़ है, इतना कचकचा हो गया है किचन। आप भी मीठा खाओ दोस्तों, मजे करो। और ये है मेरी आज खाने में बनी है दाल लौकी वाली, और राइस गर्मा गर्म दाल चावल खाएंगे, और फिर हम आपसे दोस्तों मिलते हैं बाद में, खाना निकालते समय मिलेंगे, तो एक बार रिकॉर्डिंग करूंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तो मिलेंगे ही। यही है हमारा, मैं बहुत दबीर काम समेटना है और कपड़े भी चेंज करने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, छोटे छोटे से ब्लॉग के जरिए मिलती रहूँगी आपसे, आपको एंटरटेन करती रहूँगी। खुश रहो, हम भी खुश रहे, चलो बाय। तो बस खाना हमारा लग गया है, बहुत जोर वाली भूख है, गर्मा गर्म लौकी वाली तड़का दाल है, बाहर से अभी मार्केट से लेके आए हैं ये वाला अचार ट्राई करेंगे मिक्स, एक लिज्जत पापड़, और ये है फ्रेश दही अचार वाला ही चम्मच है इसमें दोस्तों। और अब मैं जा रही हूँ खाने, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज राजीव शालीन ब्लॉग्स।